हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 की सिक्स गेम का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। ये गेम जो है वो काफ़ी लंबी चली थी, इनको जो मैराथन ड्रोन गेम भी बोल रहे हैं अलग अलग वेबसाइट पे, और कई लोग बोल रहे हैं कि करुआना मिसेज द इम्पॉसिबल विन chess.com का टाइटल है। सो बेसिकली यस, ऑफकोर्स करुआना ने जो है इम्पॉसिबल विन मिस की थी ऑन मूव नंबर 68, जो मूव का हम जो है काफ़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे। बट आइए शुरू करते हैं गेम, जहां पे मैग्नस ने गेम की शुरुआत की पोन टू e4 से। और अब तक आपने देखा होगा कि मैग्नस ने पहली गेम में पोन d4 खेला, जहां पे उसके वाइट पीस थे। दूसरी गेम जहां पे उसके वाइट पीस थे, उन्होंने पोन टू c4 खेला और उनको कोई भी इतना अच्छा एडवांटेज नहीं मिला था। सो इस बार उन्होंने पोन टू e4 ट्राई किया। नाउ पोन टू e5, नाइट टू f3 एंड ऑलमोस्ट नाइट टू c6 जो है वो टॉप लेवल पे काफ़ी देखा जाता है। और उसके बाद बिशप टू b5 या फिर बिशप टू c4, आई मीन रुई लोपेज और या फिर इटालियन गेम। बट आजकल जो फेबी है वो पेट्रोफ डिफेंस में अपना भरोसा है वो ज़्यादा दिखा रहा है, और उन्होंने खेला नाइट टू f6 द पेट्रोफ डिफेंस, नाइट कैप्चर ऑन e5 गेम में खेला गया, पोन टू d6। और इस पोजिशन में जो मेन मूव है वो है नाइट टू f3, जहाँ पे ब्लैक जो है नाइट कैप्चर e4 खेलता है और उसके बाद पोन टू d4 एंड पोन टू d5 एंड गेम इज़ ओपन फॉर ऑल थ्री रिजल्ट। बट d6 के बाद मैग्नस ने खेला नाइट टू d3 और यहाँ पे अभी आया नाइट कैप्चर ऑन e4, क्वीन टू e2 अटैकिंग द नाइट, और अगर पोन टू d5 खेलते हो देन सिंपली पोन टू f3 इज जस्ट विनिंग। सो क्वीन टू e7 इज फोर्स मूव एंड नाउ नाइट टू f4, नाइट टू c6, नाइट टू d5 अटैकिंग द क्वीन। सो अगर अब क्वीन जो है वो सेवंथ रैंक छोड़ती है देन नाइट कैप्चर c7 इज विनिंग, और अगर वो सेवंथ रैंक को कंटिन्यू करती है देन उसको जो e5 छोड़नी पड़ेगी देन क्वीन कैप्चर e4 इज विनिंग। सो यहाँ पे नाइट टू d4 इज फोर्स एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन e7, नाइट कैप्चर्स ऑन e2, और अगर अब बिशप कैप्चर e2 आता है देन बिशप कैप्चर e7 इज सिंपली इक्वल। सो यहाँ पे वाइट जो है वो यही ट्राई करेगा कि वो अपने पीसीस जो है बोर्ड पे जितना ज़्यादा रख सके उतना अच्छा है। सो नाइट कैप्चर e2 के बाद नाइट टू d5 खेला गया, थ्रेटनिंग नाइट कैप्चर c7 चेक। सो यहाँ पे अभी आया नाइट टू d4 बैक। सो इन केस ऑफ नाइट कैप्चर्स ऑन c7 सिंपली जो है किंग जो है d8 पे जाएगा, और नाइट कैप्चर्स ऑन a8 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन c2 चेक, किंग जो है वो d1 एंड देन नाइट कैप्चर्स ऑन a1 फॉलोड बाय जो नाइट कैप्चर f2 और इवन पोन f3 देन नाइट f2 इज जस्ट गुड फॉर ब्लैक टू प्ले। बट यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, वो है इन बिटवीन मूव बिशप टू d3। मैं आपको दिखा देता हूँ, से नाइट कैप्चर ऑन c7, किंग d8 एंड नाउ बिशप टू d3 डिफेंडिंग दिस c2 पोन। बट यहाँ पे आएगा नाइट कैप्चर्स ऑन f2 एंड देन किंग कैप्चर f2 और किंग कैप्चर c7 इज ऑलमोस्ट इक्वल। सो बेसिकली इस गेम में आप देखो तो ब्लैक को जो है ओपनिंग स्टेज में कोई इश्यू नहीं है। सो नाइट d4 के बाद जो वाइट है उसने खेला नाइट टू a3, नाउ उन्होंने c2 डिफेंड किया और थ्रेट दे रहे हैं नाइट कैप्चर्स ऑन c7 की। सो नाइट टू e6 डिफेंडिंग दिस c7, पोन टू f3 अटैकिंग द नाइट एंड नाउ नाइट टू c5, पोन टू d4 अटैकिंग द नाइट अगेन, नाइट टू d7 एंड नाउ पोन टू c3। आप लोगों ने देखा ना दोस्तों कितनी मूव है, ऑलमोस्ट 14th मूव होगी अभी नेक्स्ट वाइट की, और दो नाइट और पोन से ही गेम चल रही है। पोन टू c6 अटैकिंग द नाइट, नाइट टू f4 एंड नाउ नाइट टू b6, बिशप टू d3, पोन टू d5। और ये पोन स्ट्रक्चर देखो तो दिस इज फ्रेंच डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन, जो जाना जाता है अपने ड्रॉइस रेपुटेशन के लिए। नाइट टू c2 गेम में खेला गया एंड नाउ बिशप टू d6 अटैकिंग दिस नाइट वंस मोर, नाइट कैप्चर e6, बिशप कैप्चर e6, किंग टू f2 एंड नाउ पोन टू h4, ट्राई टू गेन सम स्पेस ऑन द किंग साइड, पोन टू h4 एंड नाउ नाइट टू c8 विथ सम आइडिया ऑफ से नाइट टू e7 एंड बिशप टू f5। और जब ये वाइट का लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक के लाइट स्क्वायर बिशप के साथ एक्सचेंज हो जाएगा देन ब्लैक वुड बी हैविंग अ मोर कंफर्टेबल गेम। सो यहाँ पे आया नाइट टू e3 स्टॉपिंग दिस आइडियाज, नाइट टू e7 एंड नाउ पोन टू g3, पोन टू c5 एंड दिस इज द की मूव। यहाँ पे फेबी है, उन्होंने क्या किया गेम में इनिशिएटिव गेन करने की ट्राई की। अफकोर्स ए पोन c5 से d5 जो है वो वीकनेस क्रिएट हो गई, बस उसका बिशप और नाइट जो है अभी उस वीकनेस को जो है
वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फिर भी क्या करना चाहते हैं, कैसल के बाद वो जब सी कैप्चर d4 होगा, वो अपना एक रुक जो है c8 पे प्लेस करके जो गेम में है कुछ इनिशिएटिव लेने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आया बिशप टू c2। आइडिया इज टू प्ले बिशप टू b3 एंड पुट सम प्रेशर ऑन दिस वीक d5 पोन। यहाँ पे फेबी ने कैसल किया एंड नाउ रुक टू d1, रुक f2 d8 एंड नाउ नाइट g2 विथ एन आइडिया ऑफ पोन कैप्चर्स ऑन c5 से बिशप कैप्चर ऑन c5, और उसके बाद जो है बिशप e3, और इस तरह से जो आगे चल के बिशप कैप्चर e3, नाइट कैप्चर e3 या फिर इवन किंग कैप्चर e3, और ये जो पोन ऑन d5 है उस पे वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ पोजिशनल थ्रेट। सो यहाँ पे फेबी ने खेला पोन कैप्चर्स ऑन d4, सी कैप्चर्स ऑन d4। अफकोर्स आप जो है रुक कैप्चर्स ऑन d4 नहीं खेल सकते यहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होगा, बिशप टू सिंपली c5 और अब ये रुक जो है वो पिन हो गया। और सी कैप्चर डी फोर, सी कैप्चर डी फोर के बाद यहाँ पे गेम में जो एक्टिविटी है वो डिसाइड होगी ऑन द सी फाइल, क्योंकि अभी देखिए डी फाइव जो है वाइट ब्लैक की वीकनेस है, ऑन द अदर एंड डी फोर जो है वाइट की वीकनेस है। रुक ए टू सी एट, बिशप पे अटैक है। सो बिशप टू बी थ्री एंड नाउ नाइट टू सी सिक्स, अ वेरी गुड मूव। आइडिया इज टू प्ले दिस नाइट टू ए फाइव एंड नाइट कैप्चर्स ऑन बी थ्री, और उसके बाद जो है सी टू स्क्वेयर जो है वो अपने रुक के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे फेबी। यहाँ पे आया बिशप टू ए फोर। द आइडिया इज कि अगर ये नाइट के सामने ये बिशप एक्सचेंज होता है देन वाइट वुड एक्सचेंज दिस टू बिशप, और उसके बाद क्या होगा कि ये नाइट जो है उसके सामने ब्लैक का जो है वो बेड बिशप रहेगा। सो दैट वुड बी एन एडवांटेज फॉर वाइट, वो इनका ड्रीम है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्लैक जो है डायस्कोर बिशप एक्सचेंज करें। यहाँ पे आया नाइट टू f5 अटैकिंग द बिशप। अब रुक डी टू c1। सो इन केस अगर नाइट f5 के बाद आप बिशप कैप्चर्स ऑन d6 खेलते हो, बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन b3, ए कैप्चर ऑन b3, और अभी रुक टू c2 चेक, किंग g1, रुक कैप्चर d6, रुक कैप्चर्स ऑन a7, और अब जो ब्लैक है वो रुक टू b6 खेलेगा, और सुनर और लेटर ये दोनों पोन जो है वो फॉल हो जाएंगे। आई मीन रुक कैप्चर b2 और इवन रुक कैप्चर b3 इज रियल थ्रेट, और उसको स्टॉप करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो रुक d2 c1 के बाद यहाँ पे बिशप कैप्चर डी आई मीन नाइट a5 के बाद यहाँ पे बिशप कैप्चर ऑन d6 नहीं खेला गया, बट रुक d2 c1 खेला गया, जहाँ पे अब फेबी का टर्न है कि वो जो है बिशप एक्सचेंज ना करें, क्योंकि अगर ये बिशप एक्सचेंज हो जाता है देन वाइट वुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नाइट अगेंस्ट ब्लैक्स बेड बिशप। तो इसीलिए उन्होंने खेला बिशप टू b4। अभी गेम में खेला गया बिशप टू d1, हालांकि यहाँ पे एक और मूव है ऐसे बिशप टू c7, बट देन नाइट कैप्चर b3, ए कैप्चर b3, नाउ रुक टू e8, रुक कैप्चर a7 एंड नाउ बिशप टू d6, ये जो बिशप है वो पीन है अगेंस्ट दिस रुक। सो रुक कैप्चर b7 एंड नाउ रुक टू e7, अनदर पीन, एंड आफ्टर बिशप कैप्चर्स ऑन d6, रुक कैप्चर्स ऑन b7, रुक कैप्चर c8, बिशप कैप्चर c8। यहाँ पे अगर कोई विनिंग के लिए खेल सकता है तो ओनली ब्लैक, बट बिशप b4 के बाद गेम में खेला गया बिशप टू d1 विथ सम आइडिया ऑफ मूविंग दिस बिशप एंड देन पोन टू f4, और जो ब्लैक की अनदर वीकनेस है उसको वो जो है एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे आया नाइट c4 अटैकिंग दिस b2 पोन, पोन टू b3 एंड नाउ नाइट टू a3, और ये काफ़ी कनिंग मूव है। यहाँ पे ब्लैक थ्रेट दे रहा है बिशप टू c3, सो एक्सचेंज विन करने की। सो अभी इस पोजिशन में खेला गया रुक कैप्चर्स ऑन c8, रुक कैप्चर ऑन c8 एंड नाउ रुक टू c1, और अब नाइट टू b5, पॉइंट इज टू अटैक दिस वीक d4 पोन। रुक कैप्चर ऑन c8, बिशप कैप्चर ऑन c8, और अब नाइट टू e3। सो अगर आप d4 कैप्चर करते हो देन ये नाइट जो है वो d5 पे कैप्चर करेगी, इन गेम इज ओन। बट यहाँ पे नाइट टू c3 फर्स्ट, डिफेंडिंग दिस पोन, एंड नाउ बिशप टू c2, और अब बिशप टू a3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि यहाँ से बिशप जो है वो b2 पे जा रहा है, देन जब नाइट मूव होगी तब d4 पे भी अटैक आएगा, एंड दूसरा ये स्पेशली जो है a4 पोन को a2 पोन है उसको आगे बढ़ने से स्टॉप कर रहा है। सो गेम में खेला गया बिशप टू b8 अटैकिंग दस a7, a6, नाउ पोन टू f4 एंड सम आइडियाज लाइक आगे चल के पोन जो है f5 पे खेलेंगे, बिशप टू d1 पे, और सिंपली h5 पोन को टारगेट करेंगे। नाउ बिशप टू d7 थ्रेटनिंग दिस बिशप c6, और उसके बाद अगर ये d4 पोन जो है वो चला जाता है देन ब्लैक वुड बी हैविंग दिस पास पोन। पोन टू f5 गेम में खेला गया एंड नाउ बिशप टू c6
Now knight capture a2 and bishop to b2, both are really good threat. So bishop to जो है d1 खेला गया, यहाँ पे अगर knight capture d1 आता है then knight capture d1 and still जो game है is almost equal. यहाँ पे जो black को कोई इतना serious advantage नहीं है. So यहाँ पे black ने खेला bishop d1 के बाद bishop to b2 और अब bishop captures on h5 check, और अब चाहे तो आप knight capture a2 भी खेल सकते हो जहाँ पे बिशप a7 आ जाएगा डिफेंडिंग दिस पोन ऑन d4, और अब नाइट टू c3 थ्रेटनिंग दिस नाइट टू b5 पोन, और ये बिशप दोनों को थ्रेट दे रहा है. सो बिशप टू e2 इज फोर्स, और गेम जो है अभी भी तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है. आई मीन ब्लैक इज हैविंग सम इनिशिएटिव बट इट्स नॉट सो क्लियर. सो बिशप कैप्चर h5 के बाद गेम में खेला गया नाइट टू e4 चेक, अभी किंग टू g2 एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन d4. सो बेसिकली h5 के सामने जो है d4 पोन एक्सचेंज हो गया, और आगे चल के d5 जो है वो सीरियस थ्रेट दे सकता है. गेम में खेला गया बिशप टू f4 एंड नाउ बिशप टू c5, एंड नाउ ब्लैक की वाइट की पोजीशन है वो काफ़ी यहाँ पे शेकी हो चुकी, क्योंकि यहाँ पे वेरियस थ्रेट है. से नाइट में मूव करूँगा एंड देन पोन पुश, सो डिस्कवर चेक में नाइट जाने की थ्रेट है, और दूसरा ये हो सकता है नाइट मूव करके मैं बिशप कैप्चर्स इवन e3 खेल सकता हूँ, और उसके बाद पोन पोस्ट डिस्कवर चेक, और उसमें एक पीस जाने की थ्रेट है. सो दिस इज वेरी सीरियस पोजीशन फॉर वाइट. और यहाँ पे मैग्नस ने काफ़ी अच्छा खेला, उन्होंने खेला बिशप टू f3 एंड प्रैक्टिकली गिविंग अप द पीस, क्योंकि यहाँ पे अभी आया नाइट टू d2. सो थ्रेट इज नाइट कैप्चर्स ऑन f3, और उसके बाद सिंपली पोन जो है d4 पे, और पीस जो है वो विन करने की थ्रेट है. बट यहाँ पे मैग्नस ने खेला बिशप कैप्चर्स ऑन d5, एंड दिस इज प्रैक्टिकली अ पीस सेक्रीफाइस, क्योंकि अभी आया बिशप कैप्चर e3, और अगर बिशप कैप्चर e3 खेलते हो देन सिंपली बिशप कैप्चर्स ऑन d5 इज अ चेक, और उसके बाद नाइट जो है सेव कर लेंगे. सो इस तरह से फेबी को एक पीस मिल जाएगा. बट बिशप कैप्चर e3 देन बिशप कैप्चर्स ऑन c6, और अब बिशप कैप्चर्स ऑन a4. सो अगर पोन कैप्चर्स देन पोन कैप्चर्स, और ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस. बट यहाँ पे मैग्नस का आइडिया था कि तीन पोन लेना है पीस के बल्ले में. सो उन्होंने खेला बिशप कैप्चर ऑन बी सेवन एंड नाउ बिशप टू डी सिक्स, बिशप कैप्चर्स ऑन ए सिक्स एंड नाउ नाइट टू ई फोर, सो अटैकिंग द जी थ्री पोन. और यहाँ पे आपने देखा कि तीन पोन मिल गए हैं वाइट को पीस के सामने, बट थिंग इज दैट कि ए टू पोन जो है वो जाने ही वाला है, या तो ए टू या तो बी थ्री, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जी थ्री पे अटैक है, और बिशप ए थ्री आएगा एंड देन नाइट टू सी थ्री. सो पोन टू जी फोर खेला गया, नाउ बिशप टू ए थ्री स्टॉपिंग एनी पोन एडवांस, बिशप टू सी फोर एंड नाउ किंग टू एफ एट. ये पोन ऑन ए टू है वो कहीं पे जाने वाला है नहीं. पोन टू जी फाइव खेला गया गेम में, अब नाइट टू सी थ्री अटैकिंग ए टू, और यहाँ पे मैग्नस ने डिसाइड किया कि वो जो है सिंपली ए टू पोन रखना चाहेंगे. उन्होंने खेला पोन टू बी फोर, बिशप कैप्चर्स ऑन बी फोर, नाउ किंग एफ थ्री, नाइट टू ए फोर, बिशप टू बी फाइव, नाइट टू सी फाइव, पोन टू ए फोर, और अभी पोन टू एफ सिक्स, किंग टू जी फोर एंड नाउ नाइट टू ई फोर, किंग टू एच फाइव, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी मूव आई बिशप टू ई वन, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नस है वो खेलना चाहेंगे पोन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स, बट पहले शायद ये बिशप से जो है नाइट पे अटैक करेंगे देन पोन कैप्चर ऑन एफ सिक्स. पोन कैप्चर एफ सिक्स जब आता है तब वो किंग जो है वो जी सिक्स पे लाने की ट्राई करेंगे. बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर वो ये चीज़ करते हैं तो अभी लास्ट मूव होगी फेबी की बिशप कैप्चर ऑन एच फोर, इस तरह से पोन एफ सिक्स पे सेव भी हो जाएगा एंड जो है ब्लैक है उसको ऑलमोस्ट विनिंग एडवांटेज मिल जाएगा. सो यहाँ पे मैग्नस ने काफ़ी अच्छी मूव खेली, वो है पोन टू सॉरी पहले बिशप टू डी थ्री, नाइट पे फर्स्ट अटैक किया एंड नाउ पोन टू ए फाइव. सो इस तरह से ये पोन जो है आगे बढ़ने की थ्रेट है, और दूसरी ओर दूसरी थ्रेट है पोन कैप्चर ऑन एफ सिक्स, पोन कैप्चर एफ सिक्स एंड किंग टू जी सिक्स, इनकेस आप अगर बिशप कैप्चर ए फाइव मारते हो जो कि फोर्स है, और आगे चल के ये पोन जो आगे एडवांस हो सकता है. सो बिशप कैप्चर ए फाइव गेम में खेला गया, जी कैप्चर एफ सिक्स, जी कैप्चर एफ सिक्स एंड नाउ किंग टू जी सिक्स, और इट सेम्स के यहाँ पर मैग्नस जो है पीस डाउन होने के बावजूद भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पोन जो है वो आगे बढ़ेगा, और शायद उससे क्या होगा कि एक पीस जो है वो ब्लैक को देना पड़ेगा, और अगर पीस नहीं देते देन ये पोन जो है वो मैग्नस कैप्चर कर सकते हैं, और जिस केस में नाइट वर्सेस बिशप एंड दिस बिशप इज अ क्लियर कट ड्रॉ, बिशप टू डी एट सपोर्टिंग दिस पोन ऑन एफ सिक्स एंड नाउ किंग टू एच सेवन. सो बेसिकली किंग को जी एट पे आने से स्टॉप कर रहे हैं.
knight to f7, and now this bishop to c4, knight to e5, and now bishop to d5. So basically ab bishop jo hai wo bhi g8 pe king ko aane ka stop kar raha hai. Bishop to a5, pawn to h5, bishop to d2, and now bishop to a2. So ye a2 g8 diagonal hai, abhi ye bishop ke liye kafi important hai, kyunki agar wo diagonal jo hai white leave karta hai, then king ke g8 aane ke chances kafi hai, aur ek bar king g8 h8 aa gaya, then game is almost over. Hum aage chal ke wo dekhenge. Yahan pe knight to f3 game mein khela gaya, and now bishop to d5, knight to d4, now king to g6, bishop to g5, bishop to c4, aur is position mein jo Norway ka super computer hai, Siska and something like name, वहाँ पे दिखा रहा था कि बिशप h4 इज़ विनिंग बाय फोर्स. तो हम जो ये मूव है उसका अभी थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे कि ये मूव क्यों विनिंग है, क्योंकि ये सारा केस जो है जुगजवांग का है कि अगर वाइट ये डायगोनल भी छोड़ देता है, देन अगर ब्लैक का किंग नज़दीक आ जाएगा, देन ये h5 पॉन जो है जिस मैटर ऑफ टाइम की वो फॉल होगा. वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होगा. से बिशप टू d5 कीपिंग दैट डायगोनल, एंड नाउ नाइट टू e2, सो नाइट f4 इज़ अ थ्रेट, बिशप टू f3, एंड नाउ नाइट टू g1. आई मीन मैं यहाँ पे नाइट f4 थ्रेट किस तरह से बोलना चाहता था कि यहाँ पे नाइट e2 एंड से यू आर प्लेइंग पोन टू h6, और ऐसा लगता है पोन h7 चला जाएगा एंड विन हो जाएगा, बट नाउ सिंपली नाइट टू f4 इज जस्ट विनिंग, क्योंकि किंग h7 नाइट कैप्चर्स ऑन d5. ओके, सो यहाँ पे नाइट टू e2, बिशप टू f3, एंड नाउ नाइट टू g1. और यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे ये जो मूव है वो करना बोर्ड पे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिशप टू g4 नाउ ट्रैप्स द नाइट. सो अब इस पोजीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है किंग टू g8. सो पॉइंट इज दैट अभी जो वाइट है बहुत ही जल्दी जुगजवांग में आ जाएगा. देखिए इसी पोजिशन में अगर हमारा बिशप टू जो है वो सिंपली g5 पे है तो वाइट को मूव करना पड़ेगा, तो इधर उनको अपना बिशप मूव करना पड़ेगा, तो हम जो है नाइट टू h3 या फिर नाइट टू f3 जो भी मौका मिले वो खेल सकते हैं, और उसके बाद नाइट टू h4 या फिर अगर h3 पे नाइट है देन नाइट टू f4 खेल सकते हैं. और इसी पोजीशन में अगर वो अपना पोन पुश करते हैं देन किंग h8 जाएगा, वो हमको दिखाते हैं किस तरह से किंग टू h6. और हम ट्राई करेंगे कि अभी बिशप टू g5 ले आएंगे जब उसका किंग जो है वो g6 पे, सो इसीलिए कुछ बिशप का मैनूवर है, बिशप f2, किंग g6, बिशप टू d4, किंग टू h6, बिशप e3 चेक, किंग g6, एंड नाउ बिशप टू बिशप टू g5. सो बेसिकली अभी किंग के पास कोई मूव नहीं है पोन चलाने के सिवा, और अगर बिशप चलाते हो देन या तो नाइट h3 पे आ जाएगी या तो नाइट f3 पे आ जाएगी. सो पोन टू h6, इस पोजीशन में किंग h8, पोन h7, एंड नाउ बिशप टू h4, एंड अगेन सेम पोजीशन अराइज होती है जहाँ पे किंग g6 है और हमारा बिशप जो है g5 पे होता है, एंड इट्स अ वाइट टू मूव, देन उसको अपना किंग जो है मूव करना पड़ेगा, देन किंग कैप्चर h7 पॉसिबल है, और बिशप मूव करते हैं तो हमारी नाइट निकल जाएगी. सो बेसिकली किसे किंग h5, बिशप e1, किंग g6, एंड नाउ बिशप टू c3, किंग h6, बिशप d2 चेक, किंग g6 और बिशप g5 पे आ गया. सो नाउ या तो उनको अपना बिशप मूव करना पड़ेगा या तो किंग, इन दोनों केस में जो है वो ब्लैक इज विनिंग. से यहाँ पर आप अपना किंग जो है h7 पर ले जाते हो, देन सिंपली दिस किंग कैप्चर ऑन h7 और किंग जो है आगे चला जाएगा, एंड दिस इज क्लियर कट विनिंग फॉर ब्लैक. सो इसीलिए यहाँ पे जो बिशप टू h4 मूव है वो विनिंग थी, बट ये बिशप h4 और उसके बाद नाइट g1 का आइडिया जो है ह्यूमन के लिए फाइंड करना जो है काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली ये बिशप h4 और उसके रिलेटेड ये जो मैं आपको दिखाता हूँ नाइट g1 एंड बिशप g4 जो है दिस इज़ रियली ग्रेट मूव टू फाइंड. यहाँ पे बिशप g4 आएगा एंड खुद के पीस को ट्रैप करवाना और उसके बाद जुगजोंग के खेलना है, दिस इज़ रियली ग्रेट. बट ओके एनीवेज गेम में ये नहीं हुआ, गेम है वहाँ पे खेला गया बिशप c4 के बाद नाइट टू f3, और अब जो गेम है इज ऑलमोस्ट अ ड्रॉ. यहाँ पे किंग टू h7, नाइट टू e5, एंड नाउ बिशप टू b3, नाइट g4, बिशप टू c4, और ये बिशप जो है वो डायगोनल छोड़ नहीं रहा. सो वेरी सून यहाँ पे करुआना ने डिसाइड किया कि वो अपना किंग लेके आगे आएंगे, नाइट टू e3, बिशप टू नाउ जो है d3. सो बेसिकली अभी किंग h7 है, सो किंग g8 नहीं जा सकता. यहाँ खेला गया नाइट टू g4, और अब बिशप टू c4, नाइट टू h6,
किंग टू जी सिक्स, और अभी फेबी ने डिसाइड किया होगा अपना किंग लेके जो है आगे आएंगे विथ किंग ई सेवन, बिशप टू बी थ्री, किंग डी सिक्स, बिशप टू सी टू, किंग ई फाइव एंड नाउ बिशप टू डी थ्री. अब जो है वो किंग जी एट वैसी कोई थ्रेट नहीं है, सो बेसिकली डिफेंडिंग दिस दिस एफ फाइव पोन, और बिशप जो है इस डायगनल पे ऐसे ही मूव करता रहेगा. सो यहाँ पे गेम में जो ब्लैक है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता था. उन्होंने खेला किंग टू एफ फोर, और अब बिशप टू सी टू, नाइट टू जी फोर, बिशप टू बी थ्री एंड नाउ नाइट टू ई थ्री, और अब ये नाइट जो है उसने एच सिक्स का कंट्रोल है वो लीव कर दिया. सो यहाँ पे अभी आया अपॉन टू एच सिक्स एंड दिस गेम इज एंडेड इन अ ड्रॉ बिकॉज बिशप कैप्चर एच सिक्स एंड नाउ सिंपल जो है किंग कैप्चर ऑन एच सिक्स और इवन किंग कैप्चर ऑन एफ सिक्स बोथ आर ड्रॉ. सो यहाँ पे दोनों प्लेयर जो है वो ड्रॉ के लिए अग्री हो गए. सो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आज का वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आएगा. पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट ना बिल्कुल ना भूले. धन्यवाद. जय हिंद. बाय बाय.